एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर हैं और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर भी रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ हमने देखा लास्ट लेक्चर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आज का जो भी लेक्चर बेस्ड है वो रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे कुछ हम डिफरेंट बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है? तो पहले मैं लेक्चर की हेडिंग यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ कि आज हम लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट पढ़ने वाले क्या है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बारे में। वॉन्ट ऑफ फैक्टर जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखते हैं कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मीनिंग क्या है या कब यूज़ किया जाता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट, उसको समझोगे। अभी तक जो भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर अप्लाई होती है वो याद रखना है तुम लोगों को, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट पर। अभी तक जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है वो किस पे अप्लाई होती है, अभी तक जो पढ़ा वो किस पे अप्लाई होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट पर। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट का मतलब है कि जो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है, जो फर्दर आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, मतलब वो सोल्यूट। इलेक्ट्रोलाइटिक का मीनिंग तुम्हें पता होगा, मैं तुम्हें आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है, जो आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब अगर आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते और हम लोगों को ये पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट जब किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो वो फर्दर आयन में डिसोसिएट नहीं होते या वो ना ही एसोसिएट होते, ठीक है? तो जितने हमने ऐड किए थे उतने ही हमें सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये कंडीशन किसके अंदर है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के अंदर है। लेकिन कुछ सॉल्यूट ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं नेचर के। इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। इस कंडीशन में जो आयंस होंगे वो हमें बनते हुए दिखेंगे, ठीक है, वो आयंस में यहाँ पर कन्वर्ट होंगे। और अगर आयंस में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पे कैसे वेरिएशन आएगा, वो वेरिएशन पूरा का पूरा समझाएगा हमें यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो ध्यान से सुनना है, आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, चीज़ें यहाँ से अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है? तो ध्यान से देखोगे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट जो आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, और अगर आयंस के कन्वर्टर अंदर नहीं होते तो जितनी भी चीज़ें अभी हम पढ़ चुके हैं वही अप्लाई करनी है। लेकिन आज का लेक्चर के अंदर हम बात कर लेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर हमारे पास आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट का मतलब है कि वो सॉल्यूट जो आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या यूज़ करना है। तो फोर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, इसकी कंडीशन में आई क्या होता है तो उसको देखोगे। आई होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन भी हो सकता है। इस कंडीशन में आयंस डिसोसिएट भी हो सकते हैं या फिर वो कंबाइन भी हो सकते हैं, एसोसिएट भी हो सकते हैं। तो आफ्टर डिसोसिएशन, या इसको मैं लिख रहा हूँ एसोसिएशन का मतलब है ऐड हो जाना, जुड़ना, ओके। इसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, इसके बाद ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक। दोनों कंडीशन को मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर दिया, डिसोसिएशन एसोसिएशन आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, ठीक है। अब क्या होता है, इसको हमें पर्टिकुलर चीज़ों को इन डेप्थ समझते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा और देखते हैं। पहली चीज़ मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिसोसिएशन के बारे में, ठीक है। तो डिसोसिएशन की कंडीशन में क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अब डिसोसिएशन कैसे हो रहा है, सपोज मैं मान लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मेरे पास NaCl है। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, मैंने इसको ऐड किया तो ये कन्वर्ट हुआ आयंस के अंदर Na++Cl- के अंदर। बिल्कुल यहाँ तक चीज़ क्लियर है तुम लोगों को, इस तरीके से ये फर्दर आयन के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इनिशियल बात करूँ, ठीक है, तो इसका अगर 1 मोल था, ठीक है, और यहाँ पे 100% आयोनाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है या 100% डिसोसिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है,
ठीक है, मतलब पूरा का पूरा आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियल वन था, फाइनल कंडीशन के अंदर कितना हो जाएगा, फाइनल कंडीशन के अंदर ये नहीं रहेगा और यहाँ पे बनेगा वन, और यहाँ पे कितना बनेगा वन। बिल्कुल चीज़ क्लियर है यहाँ पे। अब हमने हम बात करें तो हमने अगर सोल्यूट सोलवेंट के अंदर ऐड किया था तो हमने कितना वन किया था, लेकिन हमें फाइनल कंडीशन में कितना मिल रहा है वन और ये वन, ठीक है। तो टोटल कितना हमें यहाँ पे मिल रहा है, टोटल हमें मिल रहा है टू। टोटल हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे टू। तो इस कंडीशन में जो आयंस था जो हमने ऐड किया था वो डबल हो गया, वो क्या हो गया डबल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे आई की बात करूँ तो आई की अगर आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बोलूँ तो कितने हो जाएंगे, वन प्लस वन टू डिवाइडेड बाय इनिशियल बिफोर कितने थे वन, तो आई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी टू। आई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी टू। चीज़ें समझ में आ रही क्या हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही क्या हो रहा है। हमने ऐड किया था वन, हमने एक सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया था, लेकिन सॉल्यूशन में हमें कितने दिख रहे हैं, दो सॉल्यूट पार्टिकल दिख रहे हैं। उनके आयंस के फॉर्म में दिख रहे हैं चाहे, लेकिन वो कितने दिख रहे हैं हमें टू दिख रहे हैं। इसकी कंडीशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी, क्योंकि आई हमें बताता है कि आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन का जो रेशियो है उसको। तो आफ्टर डिसोसिएशन टू हो गया, बिफोर डिसोसिएशन वन था, तो टू बाई वन तो हमारे पास क्या हो जाएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर आई। तो ये बेसिक सब क्वेश्चन था, कुछ और क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं, उससे थोड़ी और हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी रिलेटेड टू वॉन्ट ऑफ फैक्टर। चलो तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तुम लोगों के साथ तो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यहाँ पर एम जी सी एल टू वाला एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर अपने 100% डिसोसिएशन होने वाला है, डिसोसिएशन होने वाला है, तो ये कन्वर्ट होगा Mg प्लस टू प्लस टू सी एल माइनस के अंदर। इनिशियल अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल मेरे पास होगा वन, फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो वन चला जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा टू, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वजह से। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ रहा है थ्री, बिफोर कितना था वन था, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री बाय वन। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ऐसा क्यों हो रहा है। हमने वन ऐड किया था, हमें ओवरऑल कितना मिल रहा है, क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट हो गया, पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए, पहले एक मोल था अब एक प्लस दो तीन मोल हो गए, तीन मोल हो गए, समझ रहे हो। पहले एन ए के बराबर था, अब थ्री एन ए हो गए, पार्टिकल्स तीन गुना इंक्रीज हो गए, इसकी वजह से आई इक्वल टू थ्री बाई वन आ रहा है। चीज़ें क्लियर होगी, छोटी सी चीज़ें हैं, आराम से यहाँ पे तुम चीज़ों को समझ सकते हो। एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं। अब ये देखो, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू टू आ रही है, यहाँ पे आई की वैल्यू थ्री आ रही है, तो आई की वैल्यू जो डिसोसिएशन के केस में होगी वो हमेशा ग्रेटर देन वन निकल के आएगी, क्योंकि डिसोसिएशन में ऊपर वाला फैक्टर आफ्टर डिसोसिएशन बढ़ेगा, नीचे वाला सेम रहेगा, तो इसकी वजह से आई ग्रेटर देन वन क्या रहेगा यहाँ पर। तो डिसोसिएशन के केस में हमेशा आई की वैल्यू ग्रेटर देन वन निकल के आएगी, तो वो मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने मेंशन किया। एक और एग्जांपल से समझते हैं आराम से हम। इसके बाद अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो ये है Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 100% डिसोसिएशन की, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 100% डिसोसिएशन की, तो ये कन्वर्ट होगा 2Al+3 प्लस 3SO42 माइनस के अंदर, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर मैं इनिशियल बात करूँ तो इनिशियल इसका वन होगा, फाइनल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा टू, यहाँ पर बचेगा थ्री। ये चीज़ क्लियर हो रही हो पा रही कि एक मोल से यहाँ पर पांच मोल बन रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे फाइव आएगा, ओवरऑल यहाँ पे वन आएगा। चीज़ें क्लियर है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी फाइव बाय वन, आई की वैल्यू क्या आएगी फाइव बाय वन। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ मैंने तुम लोगों को यहाँ पे डिस्कस की है कि अगर डिसोसिएशन के केस में हम देखेंगे तो नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ेगा। तो उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी रिलेट करेंगे, लेकिन हम पहले वॉन्ट ऑफ फैक्टर को पूरा डिटेल में, डिसोसिएशन के केस में तो हम जान चुके हैं कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाएगी, यहाँ पे डिसोसिएशन होके नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि है अपने पास एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के केस में किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें वेरी करेंगी, ठीक है। तो सेकंड चीज़ जो है अपना वो है एसोसिएशन। तो ध्यान से देखोगे इस चीज़ को, एसोसिएशन की कंडीशन में ऑफकोर्स आई लेस देन वन आएगा, कैसे आएगा उसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्स्ट वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि टू सी एस थ्री सी ओ ओ एच, ठीक है।
मैं दो एसिटिक एसिड को मिला रहा हूँ, तो ये किस तरीके से यहाँ पे कंबाइन होंगे, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंबाइन होंगे, उस चीज़ को मैं तुम्हें यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये सी डबल बॉन्ड सी यू एच, एक और हमारे यहाँ पे इसी तरीके से कंबाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये एच बॉन्डिंग होगी और यहाँ पर भी ये एच बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पर भी ये तुम्हारी एच बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, बिल्कुल चीज़ क्लियर है। अब तुमने दो पार्टिकल मिलाए थे, तुम्हें यहाँ पर मिल कितना रहा है, एक पार्टिकल, ये कंबाइन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर तुमने 5-10 moles ऐड किए थे, तो यहाँ पे तुम्हें कितने मिलेंगे, ओवरऑल 5 moles मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में चला गया है, ये एसोसिएशन में चला गया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें इनिशियल बात करूँ, तो इनिशियल तुम्हारे पास 1 था, फाइनल की बात करूँ तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, हाफ, यहाँ पे कितना हो गया, हाफ, 1 ऐड किया था, हाफ मिल रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि दो को कंबाइन होकर एसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहाँ पर हाफ। चीज़ क्लियर है, चीज़ क्लियर है, आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, हाफ, एसोसिएशन के केस में इस तरीके से होगा। इस चीज़ को डाइमराइजेशन भी बोल सकते हैं। डाइमराइजेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है, कि दो मिलके एक कंपाउंड बना रहे, तो ये डाइमराइजेशन की कंडीशन है। एक और अगर मैं एग्जांपल देखूँ एक सिंपल सी चीज़ से, कि 3A कन्वर्ट हो रहा है A3 के अंदर, इसको मैं ट्राइमराइजेशन बोल सकता हूँ। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइमराइजेशन। इनिशियल अगर मैं बात करूँ, इनिशियल बात करूँ तो 1 है, फाइनल बात करूँ तो 0, ये कंडीशन हुआ 1/3। चीज़ क्लियर, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वाली फॉर्मूला लगाया है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/3। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3, क्योंकि 3 मिला रहे हैं तो एक बन रहा है, तो आई कितना हो गया, 1/3, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी तुम्हें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर यही बताया कि यहाँ पे ये 100% एसोसिएशन है, ये चीज़ मेंशन करना ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, तुम्हें थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है। 100% मैंने वहाँ पे डिसोसिएशन भी लिया था, 100% मैंने वहाँ पे एसोसिएशन भी लिया था, ठीक है। तो इस कंडीशन में कहाँ पर वेरिएशन आएगा, ये चीज़ तुम्हें क्लियर है। एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, जो तुम्हें दिख भी रही है, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये दो टाइप के कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो एक्स्ट्रा तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन के अंदर आता है तो तुम्हें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो उन कॉन्सेप्ट को भी देख के फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हम करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर 100% डिसोसिएशन नहीं देख के कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है, अल्फ़ा के बारे में बात किया हुआ है, जहाँ पे 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में तुम्हें कैसे चीज़ें करनी है। तो अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करूँ, ठीक है, अल्फ़ा के बारे में बात करूँ, तो उस कंडीशन में कैसे करना है। तो पहली चीज़ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे सामने, कि डिसोसिएशन के केस में कैसे इन चीज़ों के साथ डील करना है, ठीक है। डिसोसिएशन के केस में जहाँ पे आई की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1, ठीक है, चेक करोगे एक बार, थोड़ा सा बस कुछ चेंजेस है, वो चीज़ तुम आराम से समझ पाओगे। डिसोसिएशन के केस में अगर मैं NaCl को लेता हूँ, ठीक है, NaCl का तुम लोगों को पता है कि ये कन्वर्ट होगा Na++Cl- में, बिल्कुल, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ इनिशियल बात अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ करूँ, तो इसका 1 था, ठीक है, फाइनल बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ डिसोसिएशन हुआ है, वो हुआ है अल्फ़ा के बराबर, तो 1 - अल्फ़ा यहाँ पर बनेगा अल्फ़ा, और यहाँ पर कितना बनेगा अल्फ़ा। इनिशियल कितने मोल्स थे, 1 mole, फाइनल कितने मोल थे, 1 - अल्फ़ा + अल्फ़ा + अल्फ़ा, ओवरऑल हो जाएगा 1 + अल्फ़ा। चीज़ क्लियर है। तो आई की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी निकल के आएगी, आई की वैल्यू निकल के आएगी 1 + अल्फ़ा। किस कंडीशन में, अल्फ़ा की बात कर रहे हैं, किस कंडीशन में, जब डिसोसिएशन होगा, तो आई 1 + something आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। चीज़ क्लियर है यहाँ पर। तो ये कब होगा, जब अल्फ़ा कंडीशन में आएगा, जब अल्फ़ा क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दिया होगा, 80% हो सकता है तो 0.8 पुट कर देना, 90% हो गया तो 0.9 पुट कर देना। चीज़ें क्लियर है। जब 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, तब ये चीज़ लगेगी। 100% डिसोसिएशन की कंडीशन को हम पहले देख चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि Al2SO4 होल थ्राइस
ठीक है, इस तरीके से हमारा कन्वर्ट होगा 2Al+3+3SO4 2-। बिल्कुल हाँ या ना। इनिशियल अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल हमारे पास है 1 मोल, फाइनल अगर मैं बात करूँ तो 1-α 2α 3α। चीज़ें क्लियर है क्या कर रहा हूँ, बेसिक सी चीज़ें हैं। इनिशियल 1 मोल है, फाइनल कितने मोल है, 1-α+2α+3α, ये हो जाएगा टोटल 1+4α। बिल्कुल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं। आई की वैल्यू आएगी 1+4α, इस कंडीशन में 1+4α निकल के आ रहा है। कैसे करना है, अल्फ़ा दिया होगा, यूज़ करना है सिंपल, और तुम्हारे पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। वॉन्ट ऑफ फैक्टर किस काम में आ रहा है, वो बता रहा है कि सोल्यूशन में जाने के बाद सोल्यूट पार्टिकल्स के आयन्स में कितना डिफ्रेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब इसका एक मैं जनरल फॉर्म तुम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो क्या होगा, जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ऑफकोर्स डिसोसिएशन हो रहा है, तो AN कन्वर्ट होगा NA के अंदर। ठीक है, NA के अंदर N की बात कर लेते हैं। इनिशियल है अपने पास 1, फाइनल है अपने पास 1-α, ये हो जाएगा Nα। बिल्कुल आया ना, बिल्कुल। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1-α+Nα, जो कि आएगा 1+α(n)-1। बिल्कुल यहाँ तक चीज़ें तुम्हें I पता लग गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी चीज़ें क्लियर होगी। वो एक जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने एक्सप्लेन किया है रिलेटेड टू डिसोसिएशन, जो कि तुम्हें यहाँ पे क्लियर भी होगा कि किस तरीके से डिसोसिएशन की कंडीशन में, ये कुछ एग्जांपल है, वो जनरल फॉर्म है। ये कंडीशन कब लगेगी, जब तुम्हारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा, मतलब अल्फा के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हो। अब देखते हैं सेकंड चीज़ यहाँ पे, सेकंड चीज़ मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज़ देखते हैं हम एसोसिएशन के अंदर, मतलब जब मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे होंगे उस कंडीशन में किस तरीके से हम इसका यूज़ करें। ठीक है, तो ध्यान से चीज़ों को समझोगे यहाँ पर कि किस तरीके से यूज़ करेंगे। सेकंड चीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो तुम्हारे पास आता है एसोसिएशन। ठीक है, सेकंड चीज़ हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो आता है एसोसिएशन, जहाँ पे हम देख चुके हैं अल्फ़ा आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, आई मतलब वॉन्ट ऑफ फैक्टर। आगे चलते हैं क्वेश्चन को, अगर हम समझें तो 2A कन्वर्ट हो रहा है A2 के अंदर। मैं यहाँ पे डाइमराइजेशन वर्ड ज़्यादा यूज़ करना अच्छा समझता हूँ, तो यहाँ पे डाइमराइजेशन हो रहा है। इनिशियली हमारे पास है 1, फाइनल है 1-α, यहाँ होगा α/2। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। 1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया 1-α/2। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सिंपल सी बेसिक सी चीज़ है। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1-α/2, वॉन्ट ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1 हर कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अभी ऊपर ट्राई किए सब में डिवाइड बाय 1 है, उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बस 1-α/2। एक और कंडीशन अगर हम देखो, एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम ट्राइमराइजेशन करवाते हैं तो 3A अपना किस में कन्वर्ट होगा, 3A अगर हमारा कन्वर्ट होगा A3 के अंदर, तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल बात करूँ तो इनिशियल होगा 1, फाइनल अगर मैं बात करूँ तो ये होगा 1-α/3। बिल्कुल चीज़ क्लियर है, तो यहाँ पे होगा ओवरऑल 1, यहाँ पे होगा 1-2α/3। बिल्कुल चीज़ क्लियर है यहाँ पे, तो ये हो गया। यहाँ से अगर मैं आई की बात करूँ तो यहाँ से आई आएगा 1-2α/3। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ में यहाँ पे तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, 1-2α/3, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ तुम्हारे सामने इसकी जनरल फॉर्म की। ठीक है, इसके जनरल फॉर्म की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा, देखोगे इसको आराम से समझोगे। जनरल फॉर्म में किस तरीके से होगा, Na कंबाइन होके An बनाएगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं चीज़ को, N की वैल्यू में पता नहीं है, बहुत ज़्यादा होगी तो पॉलीमराइजेशन बोल देंगे। इनिशियल अगर हम बात करें, इनिशियल तो यहाँ पे आएगा 1, फाइनल अगर हम बात करें तो 1-α, ये हो जाएगा α/n। बिल्कुल चीज़ क्लियर है, बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 1-α, α/n, α/n कैसे आया, स्टोइकोमेट्री वाली चीज़ें लगाओगे आराम से आंसर आएगा। आई की वैल्यू क्या होगी, 1-α+α/n। बिल्कुल, तो आई आ जाएगा 1+α(n)-1, ये हो गया तुम्हारे पास आई।
ये किस कंडीशन में, ये डिसोसिएशन की कंडीशन में है, जहाँ पर आई की वैल्यू तुम्हें लेस देन वन देखने को मिलेगी। बहुत बेसिक सी चीज़ें, आराम से समझोगे, आई की वैल्यू यहाँ पर लेस देन वन निकल के आ रही है। अब तुम्हें मैंने 100% डिसोसिएशन, 100% एसोसिएशन से रिलेटेड चीज़ें समझा दी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन करता है तो कैसे चीज़ों को डील करना, ये समझा दिया। लेकिन अभी तक मैंने तुम लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि इस वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज़ क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को हम कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर अगर हम यूज़ करते हैं तो ये कब यूज़ करते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट की बात करेंगे, अदरवाइज हम इसको यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है, वहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट आता है, ठीक है, कहीं पे अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट की बात नहीं करके वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट की बात करता है, तब वॉन्ट ऑफ फैक्टर आता है। और हमारे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाले फॉर्मूले हैं वो मॉडिफिकेशन होके या मॉडिफाई होके, मॉडिफिकेशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, सिंपल से जिस चीज़ें तुम्हें पता है वही करना है। बस यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमें कौन एक्सप्लेन कर रहा है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो पहला जो भी हम पढ़ चुके हैं, एक्स बी इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नोट RLVP के अंदर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर, इसको I से मल्टीप्लाई कर देना। किस कंडीशन में, जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करेगा तो ये तुम्हारा नया मॉडिफाई फॉर्मूला यहाँ पे एक्स बन जाएगा। इसके बाद डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, ठीक है, बस क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, I मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। थर्ड डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, चीज़ क्लियर है, वही सेम चीज़ मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को दिखा रहा है। पाई इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू सी इंटू आर टी। तो बस ये मॉडिफाई फॉर्मूले तुम्हें अब यूज़ करने हैं इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर। ये तुम नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक में भी यूज़ कर सकते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक में आई की वैल्यू 1 पुट कर देना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आई की वैल्यू 1, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर अल्फा दिया होगा तो उससे रिलेटेड हमें चीज़ें करके फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये था यहाँ पर हमारा रिलेटेड टू कि अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर वाली चीज़ या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम बात करें तो सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कैसे चेंजेस आएंगे वो हम इन फॉर्मूला से देख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं तुम लोगों से ट्राई करने की कोशिश करेंगे हम मिलकर, तो वहाँ पे तुम्हारे थोड़े और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिसके अंदर हम मॉडिफाइड रूल्स लगाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, और देखते हैं कि कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि तुम देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है 0.02 मोलर, मतलब यहाँ पे हमें मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमें मोलैरिटी दी हुई है। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले वैल्यू। मोलैरिटी दिया हुआ है 0.02 m, ठीक है, ऑफ NaCl हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 90% दिया हुआ हमें, कि कितना मोलर है, 0.02 मोलर है जो NaCl है, NaCl का कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, NaCl कन्वर्ट होगा Na++Cl- के अंदर। तो अगर मैं इनिशियली अगर मान लेता हूँ, इनिशियल यहाँ पे 1 है, तो फाइनल यहाँ से कितना डिसोसिएट होगा, 90% का मतलब है 0.9, तो यहाँ पे बनेगा 0.9, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारे पास 0.9 यहाँ से डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे बनेगा अपना 0.9, यहाँ पर बनेगा अपना 0.9, बिल्कुल आया ना। तो ये कितना बच जाएगा, 0.1, ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 0.9, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 1.9, बिल्कुल आया ना। तो हमारे पास जो आई की वैल्यू निकल के आएगी, आई की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 1.9, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर होगा। आई का मतलब क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू इस कंडीशन में अगर हम 90% डिसोसिएशन को लेते हैं तो हमारे पास कितनी निकल के आती है, 1.9 निकल के आती है, ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूछा हुआ है, तो पाई इक्वल टू होता है CRT, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस ज़्यादा बन रहे हैं सॉल्यूट के, तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ICRT हो जाएगा। आई की वैल्यू है 1.9, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी है 0.02,
आर की वैल्यू है 0.082। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पाई को, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को बार के अंदर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस 0.082 की जगह मैंने यूज़ किया है 0.083, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आंसर आ जाएगा 300। तो ओवरऑल सॉल्व करोगे तो पाई आएगा 0.094 बार, कितना आएगा पाई की वैल्यू 0.094 बार। आई थिंक ये छोटा सा क्वेश्चन, छोटी सी चीज़ें तुम लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर हो पा रही होगी कि किस तरीके से मैं यहाँ पे आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम मोंटो फैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके आगे देखोगे लिखा हुआ है अ 0.02 मोलल, मोलैरिटी दी हुई है, आपकी बात मोलैरिटी दी हुई है 0.2 मोलल। सोल्यूशन ऑफ के सी एल फ्रीजेस एस -0.68 डिग्री सेंटीग्रेड इफ के एफ फोर एच टू ओ, तो सॉल्वेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एफ आ जाएगा यहाँ पे 0.68। है ना, डिप्रेशन हो गया, इतना कम हो गया, ऐसे जीरो डिग्री होता है वाटर के लिए, लेकिन इसको मिलाने के बाद -0.68 हो गया, तो डेल्टा टी एफ आ गया 0.68। ये इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम के बराबर, है ना, मॉडिफाइड का रूल लगाए। तो यहाँ से मोलैलिटी दिया हुआ है, के एफ हमें लोगों को पता है 1.86 है, तो क्या मैं आई निकाल सकता हूँ, तो बिल्कुल आई निकाल सकते हो, 0.68 डिवाइडेड बाय के एफ इंटू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, तो एक बार आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 0.68 डिवाइडेड बाय आई, के एफ कितना है, के एफ है 1.86 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, एम मतलब मोलैलिटी, 0.2 यहाँ पे निकल के आ रहा है इज इक्वल टू। देखोगे क्या आंसर निकल के आता है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास, आई की वैल्यू आएगी 1.83, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे पास आई इक्वल टू 1.83। अब क्वेश्चन ये है कि के सी एल अगर यहाँ पर है तो के सी एल का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर के सी एल के लिए सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख देता हूँ, के सी एल इक्वल टू के प्लस प्लस माइनस सी एल माइनस, इनिशियल अगर मैं बात करूँ, तो ये 1 होगा बिल्कुल, फाइनल अगर मैं बात करूँ 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 प्लस अल्फ़ा, ये चीज़ क्लियर है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, जो कि दिया हुआ है 1.83, तो यहाँ से अल्फ़ा आएगा 0.83, चीज़ क्लियर है, अल्फ़ा कितना आएगा 0.83 निकल के आएगा। तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अल्फ़ा का परसेंटेज होगा 83%। तो 83% यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखने को मिलेगा के सी एल का। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर किसके लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज भी हो सकते हैं, डिसोसिएशन हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, दोनों चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ दो बेसिक से क्वेश्चंस थे, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे कि किस तरीके से हमें इस मॉडिफाई रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करना। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं रिलेटेड टू मॉडिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अ सर्टेन सब्सटेंस ए टेट्रामराइजेस। क्वेश्चन है कि एक कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिसको ए बोल रहा है, ये वो टेट्रामराइज हो रहा है, मतलब टेट्रामराइज होने का मतलब क्या आ रहा है, वो चार मिलके बना रहे हैं, ठीक है। टेट्रामराइज होने का मतलब क्या है कि वो चार कंपाउंड मिलके बना रहे हैं, मतलब कैसे बना रहे हैं, टेट्रामराइज का मतलब क्या है, 4A से कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा यहाँ पर A4 के अंदर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको टेट्रामराइज मतलब 4 की बात कर रहे हैं, इन वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। तो इसने अल्फ़ा कितना दिया हुआ है यहाँ में, यहाँ पे अल्फ़ा इसने यहाँ पे हमें दिया हुआ है 80%। तो चेक करते हैं इनिशियल अगर मैं बात करूँ, तो इनिशियल हमारे पास अगर 1 है तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा अल्फ़ा बाय 4। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर मैं आई की बात करूँ तो आई कितना आएगा, आई आएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय 4, मतलब 1 माइनस 3 अल्फ़ा बाय 4, बिल्कुल चीज़ क्लियर है तुम्हें यहाँ तक। अल्फ़ा की वैल्यू 80% है, मतलब 0.8 वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं, आई की वैल्यू आएगी 1 माइनस 3 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 4, बिल्कुल हाँ है ना, तो ये हो जाएगा 0.2, 3 इंटू 0.2 0.6,
तो 1 माइनस 0.6 आंसर आएगा 0.4। तो यहाँ से आई की वैल्यू, आई का मतलब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 0.4। यहाँ पर 4 मिलेंगे तब हमें सॉल्यूशन के अंदर कितना दिखेगा, 1 दिखेगा, ठीक है। तो आई कितना आया यहाँ पे, 0.4 निकल के आया। ये चीज़ तुम लोगों को आई थिंक यहाँ पे क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हमें प्रोवाइड किया हुआ है वो वैल्यूज पे भी हमारे पास देखते हैं। लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ ए, मतलब वेट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ ए दिया हुआ है 2.5 ग्राम, ठीक है। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब अगर मैं सॉल्वेंट मानता हूँ तो डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा अपने पास, 100 ग्राम, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डेल्टा टीएफ दिया हुआ है हमें यहाँ पे 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ क्लियर है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी हुई यहाँ पे, बोल रहा है कि इसको इसमें ऐड करने से इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। द मोलर मास ऑफ ए, मुझे ए का मोलर मास पता लगाना है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करोगे, सिंपल सा यहाँ पे डेल्टा टीएफ इजिक्वल्स टू क्या यूज़ करोगे तुम, डेल्टा टीएफ इजिक्वल्स टू तुम यूज़ करोगे आई इंटू केएफ इंटू एम। ऑफकोर्स यहाँ पे केएफ की वैल्यू भी प्रोवाइड की हुई है, मैं एक बार उसको भी मेंशन तुम लोगों को कर देता हूँ कि केएफ की वैल्यू क्या है। केएफ की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है तुम्हारे पास 1.86, ठीक है। तो उस चीज़ को भी मैंने आप तुम्हारे सामने प्रोवाइड कर दिया है, जो कि ज़रूरत पड़ेगी ऑफकोर्स इस क्वेश्चन के अंदर। आई की वैल्यू तुम लोगों को पता है, तो वैल्यूज पुट करते हैं सिंपल। डेल्टा टीएफ कितना है, डेल्टा टीएफ है 0.3, आई की वैल्यू कितनी है 0.4, इंटू केएफ कितना है 1.86, इंटू मोलैलिटी का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी। चीज़ क्लियर है यहाँ तक क्या किया हुआ है, तो जस्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू ए मतलब 2.5, ठीक है। डब्ल्यू बी का मतलब हो जाएगा 100। चीज़ क्लियर है, तो सिंपल एम ए जो यहाँ से निकल के आएगा इसकी कैलकुलेशन करने के बाद वो निकल के आएगा 62, मतलब जो ए का मोलार मास हमारे पास यहाँ पे होगा वो होगा 62। तो आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन में क्लैरिटी आई होगी कि कैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें की है, ठीक है। इसको यूज़ करके फिर मैंने डेल्टा टी एफ वाला फॉर्मूला यूज़ किया और यहाँ से मोलार मास ऑफ ए निकाला। तो ये पर्टिकुलर आज का लेक्चर जो भी बेस्ड था वो बेस्ड था वांट ऑफ फैक्टर पे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम यूज़ करते हैं, जो कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा और तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पे हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें खत्म हो चुकी है। तो अगले लेक्चर में जो भी शुरू होगा वो कुछ नया टॉपिक शुरू होने वाला है, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देख के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को तुम्हें ट्राई कर लेना है। बाकी लेक्चर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके तुम लिख सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से